मुफ्त की चुनावी योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई की, क्योंकि मुद्दा यह है कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त अनाज जैसे चुनावी ऐलान पर रोक लगनी चाहिए। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक बार जिरह हो चुकी है इस पूरे मामले पर। अब आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर यह सुनवाई की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनहित याचिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी और डीएमके अपनी अर्जी डाल चुकी है। ये वो दो पार्टियां हैं जो इसके खिलाफ है। याचिका में मुफ्त का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है और आज इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। तो मुफ्त की रेवड़ी या फिर जन कल्याण, इसके बीच में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अब अपना फैसला सुनाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मुफ्त उपहार और सामाजिक कल्याण योजना दो अलग अलग चीजें हैं। कल्याणकारी योजना और देश की आर्थिक सेहत के बीच संतुलन जरूरी है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस मामले पर कानून बनाना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है। मामले से जुड़े सभी पक्ष इस पर लिखित सुझाव पेश करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा। और उन्होंने ये भी कहा, कुछ पार्टियों ने मुफ्त उपहार बांटने को एक कला के स्तर पर पहुंचा दिया है, साथ ही चुनाव अब सिर्फ मुफ्त योजनाओं पर लड़े जा रहे हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। दलील दी गई है, केंद्र सरकार की दलील है। कुछ दल मान बैठे हैं कि मुफ्त देना समाज कल्याण का एकमात्र हिस्सा है। इसके साथ ही अलग अलग पार्टियों की, अब आप ये देखिए किस तरीके से रेवड़ी आत्मनिर्भर भारत के सपने को झटका है, ये बीजेपी का कहना है। कांग्रेस का ये कहना है कि हाशिए पर खड़े लोगों को सब्सिडी देना संवैधानिक दायित्व है। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कल्याण योजना को मुफ्त खोरी बताकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इस पूरे मामले पर अब हमारी ये रिपोर्ट देखिए। फ्री बिजली दिल्ली में भी दे दी, पंजाब में भी दे दी, गुजरात के लोगों को भी बस 3 महीने इंतजार करना है, फिर फ्री बिजली मिलना चालू होगा। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। फ्री भी कहना बंद करो, अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं। 18 साल से ऊपर की हर महिला को मुफ्त की रेवड़ी पर सियासत गर्माती जा रही है। 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से उसके बैंक अकाउंट। बीजेपी के लगातार हमलों के बीच आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को खींचकर गुजरात ले आई है, जहां इसी साल के अंत तक चुनाव होना है। ये बोलते हैं फ्री की रेवड़ी है, फ्री की रेवड़ी है कि अधिकार है। अरविंद केजरीवाल यहां अपनी ताकत का परीक्षण करने वाले हैं और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दबदबे वाले राज्य में लगातार गुजरात मॉडल के सामने दिल्ली मॉडल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। स्कूल को अगर फीस बढ़ानी है उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। केजरीवाल ये सब ऐलान तब कर रहे हैं जब पीएम मोदी सुशासन की जगह मुफ्त की रेवड़ी बांटने की संस्कृति पर जोरदार हमला बोल चुके हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा था। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। पीएम मोदी के मुताबिक मुफ्त की रेवड़ियां आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्रभावित कर रहा है, रुकावट बन रहा है। कोई भी आकर पेट्रोल डीजल भी मुफ्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे कदम हमारे बच्चों से उनका हक छीनेंगे, देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। लेकिन केजरीवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि जनता को राहत देने के फैसले को मुफ्त की रेवड़ियां कहना सही नहीं है। उधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उद्योगपतियों को करोड़ों की राहत देने के फैसले का जिक्र करते हुए इस मुद्दे को नया रूप दे दिया। फ्री भी कहना बंद करो, अच्छी शिक्षा देना फ्री भी नहीं है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक टाइम का पेट भी काटना, पेट एक टाइम की रोटी भी नहीं खानी होना, 130 करोड़ लोग उसके लिए भी तैयार है। मोदी जी के दोस्तों के 10 लाख करोड़ माफ करके देश की इकोनॉमी बर्बाद क्यों की गई,
मोदी जी के दोस्तों के 5 लाख करोड़ के टैक्स के माफ करके उनको फायदा पहुंचाया गया, रेवड़ियां बांटी गई और देश की इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया गया। आज भारत सरकार की हालत ये हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो देश के लोगों को सरकारी स्कूल फ्री दे सके। एक वक्त था जब गरीब जनता को खुश रखने के लिए सरकारें सस्ता अनाज, सस्ती शिक्षा और किसानों के कर्ज माफी जैसे राहत भरे कदमों का ऐलान करती थी, लेकिन जब से मुफ्त और सस्ती बिजली और सस्ता पानी जो लोक लुभावन स्कीम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, ये संस्कृति देश के दूसरे सूबों में भी फैलने लगी। यहाँ तक कि कई राज्यों में बीजेपी की तरफ से भी ऐसी स्कीमें लाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान ने इस संस्कृति को सवालों में ला दिया है। क्या इस प्रवृत्ति के खिलाफ तमाम दल एकमत हो पाएंगे या सर्वोच्च अदालत को ही कुछ करना होगा? आज तक ब्यूरो।